बड़ा माता ने सुनते प्राचार्य महोदय एवं मेरे सभी विद्वान साथियों, मैं पहले भी सुना चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद है। कुछ कविताएं, कुछ गजल, कुछ शेर ऐसे होते हैं जो दिल पर असर छोड़ जाते हैं। उसमें से एक ये भी है, थोड़ी लंबी है पर दिल पर चोट करेगी क्योंकि ये आज के संदर्भ से जुड़ी है। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के संग। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के संग। घर बड़ा था इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। फिर विकास का फैलाव आया, विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पांव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती है। हकीकत यही है कि जब दरारें पड़ती है तब दीवारें बनती है। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें आ गई। यह समृद्धि मुझे पता नहीं कहां पहुंचा गई। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक कमरा अपने लिए, एक कमरा बच्चों के लिए, एक वो छोटा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक वो अंदर बड़ा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। पहले मैं खुश खुशाता था तो घर के लोग जाग जाते थे। मैं करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई है। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाकों की आवाज सुनाई देती है और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उन ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूँ। आदमी पहुंच गया है चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, पर पहुंच नहीं पाता सगे भाई के दरवाजे तक। अब हमारा पता तो एक रहता है पर हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। और आज मैं सोचता हूँ कि जिस समृद्धि की ऊंचाई पर मैं बैठा हूँ उसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदी खाईया। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगती है। अब मुझे अपने बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगता है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। और हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है, तमाचा मुझे भी खाना पड़ेगा।